ओम नमः शिवाय। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष शुक्रवार द्वादशी तिथि 9:10 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में दिन में 1 बजे तक चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी शनिदेव हैं। तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आज के जन्मे जातक सुंदर शांत हृदय वाले, विद्वान, माता पिता का आदर करने वाले, धर्म को मानने वाले, बुद्धिमान, धनी और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। ऐसे जातक चिंतनशील, आत्म केंद्रित, स्पष्टवादी, विश्वासपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले, अधिकारी, मंत्री, तकनीकी कार्यों में निपुण और विषम परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना करने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा चंद्रमा और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन कर्क राशि में ही चलते रहेंगे। यह चंद्रमा की अपनी राशि है। आज भी राहु की युति चंद्रमा के साथ बनी रहेगी। यह युति कर्क राशि पर बनी हुई है, मगर नक्षत्र क्रमशः शनि और बुध का प्रभावी रहेगा, जिससे मानसिक दबाव, उदासीपन, नकारात्मक विचारों का पैदा होना, स्मरण शक्ति में कमी, उत्साहहीनता इत्यादि संभावित है। विशेष तौर से कर्क राशि वाले जातक प्रभावित होंगे, मगर इसका अच्छा या बुरा प्रभाव प्रत्येक जातकों पर उनके अपने अपने कारकों और महादशा के अनुसार भी पड़ता रहेगा। मेष राशि के जातकों के आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। रुके हुए काम संपन्न होंगे। चंद्रमा का अपने राशि में होना बौद्धिक क्षमता के इस्तेमाल में सहायक होगा। अपने कार्य क्षेत्र में निर्धारित उद्देश्य के प्रति मानसिकता बनी रहेगी। जीवन स्तर में सुधार की प्रक्रिया चालू रहेगी और बहुत दिनों से सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, मगर मन का अंतर्द्वंद, माता के स्वास्थ्य की चिंता, मानसिक तालमेल में कमी, याददाश्त का प्रभावित होना और मानसिक दुश्चिंता संभावित है। साझेदारी आज के लिए लाभदायक रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल होगा। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के प्रयासों में गुणात्मक सुधार होगा और ऊर्जा स्तर बढ़ा रहेगा। चंद्रमा के कर्क राशि में होने से कार्य क्षेत्र में सुधार मिलेगा। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और व्यावसायिक गतिविधियों के प्रयास अनुकूल रहेंगे। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा, मगर अपने विभागीय अधिकारियों के सहयोग में कमी संभावित है। मेहनत करने की सकारात्मक भावना विकसित होगी और संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। निजी निवेश के संबंध में लिए गए निर्णय अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल है। किसी अतिथि के आगमन से मन प्रसन्न होगा और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उच्च बौद्धिक क्षमता और दृढ़ आत्मविश्वास बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी और आर्थिक मामलों में सफल रहेंगे। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव भी सामने आएंगे। सकारात्मक पहल जारी रखें। अचानक आर्थिक लाभ संभव है। साझेदारी के कामों में सहयोग मिलेगा, मगर इन सबके बाद भी त्वरित आर्थिक निर्णय लेने में अत्यधिक सावधानी रखें। नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का योग बनता है। अध्ययन अध्यापन में उचित सहयोग और प्रेरणा मिलती रहेगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मगर पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देना चाहिए और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। वाणी की सौम्यता बनाए रखें। अत्यधिक व्यस्तता और जिम्मेदारी के साथ साथ मानसिक क्रियाशीलता और तर्क करने की प्रवृत्ति भी विकसित होगी। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करें। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। अतिरिक्त आर्थिक लाभ संभव है, मगर स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता और पारिवारिक तालमेल में कमी और तात्कालिक नकारात्मक विचारों का पैदा होना भी संभावित है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। प्रयास जारी रखें। वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। साथ ही अपने सामान के प्रति सचेत रहें और वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखें। सिंह राशि वाले जातकों को अनावश्यक भागदौड़, मानसिक उत्तेजना, भ्रम का उतार चढ़ाव और सुख संसाधनों पर अनावश्यक खर्चा वाला मिला जुला समय रहेगा, मगर मानसिक रूप से अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञ और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
हालांकि कार्य योजनाओं की सार्थक पहल जारी रहेगी, रुके हुए काम भी संपन्न होंगे, अधिकारियों का सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी, मगर वाद विवाद और न्यायालय संबंधी कार्यवाही से बचें। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा, सफल महसूस करेंगे और छोटी यात्रा या प्रवास भी संभावित है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का समय कार्य क्षेत्र को विकसित करने, संबंधित मामलों में निवेश और योजनाओं में आर्थिक लाभ और उसको व्यवस्थित करने के प्रति केंद्रित रहेगा। हालांकि व्यापारिक लेन देन में सावधानी अपेक्षित है, रचनात्मक पहल जारी रहेगी और कार्य योजनाओं के लाभदायी अवसर सामने आएंगे। संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है। साझेदारी के प्रस्तावों में मित्र व सहयोगियों की भूमिका भी लाभदायक रहेगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक रहेगा और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। तुला राशि वाले जातकों को व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में लाभ मिलेगा और निजी निवेश के प्रस्ताव सामने आएंगे। कार्य क्षेत्र में चली आ रही दुविधापूर्ण स्थिति संभावित है, मगर नई कार्य योजनाओं की रूपरेखा का निर्माण होगा और संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है। आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे और साझेदारी के कामों में आपके प्रयास सार्थक होंगे, मगर विभागीय कर्मचारियों से सावधानी अपेक्षित है। महत्वपूर्ण निर्णय में अधिकारियों का हस्तक्षेप संभावित है। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी संतुष्टि महसूस होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कामों में रुकावट और दुविधापूर्ण मानसिकता के बीच लगा रहेगा, मगर कार्य क्षेत्र के विकास के प्रति ऊर्जा केंद्रित होगी और नई कार्य योजनाओं को लागू करने में सहयोग मिलेगा। रचनात्मक प्रयास सफल होंगे। संबंधित मामलों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और यात्रा संभावित है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी, मगर निजी कार्यों में रुकावट या बाधा का संकेत मिलता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। आज का दिन अनावश्यक यात्रा, मानसिक तनाव और भ्रमात्मक स्थिति वाला संभावित है, मगर कार्य क्षेत्र की संतुष्टि बनी रहेगी और सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे, जिसमें शासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग शामिल होगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। संबंधित मामलों में यात्रा का योग बना हुआ है। धार्मिक भावना बलवती होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है, सफलता संभावित है और वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में सुकून मिलेगा और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अपनी कार्य योजनाओं को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा और सहयोग मिलता रहेगा। साथ ही पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में मन लगेगा। छोटी यात्रा या प्रवास का योग बना हुआ है। अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। आर्थिक लाभ की गति सामान्य रहेगी। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और कार्य क्षेत्र में निरंतरता बनी रहेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, मगर कार्य क्षेत्र के आवश्यक संसाधनों में खर्च का संकेत भी मिलता है। साझेदारी लाभदायक रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। वैवाहिक प्रस्ताव के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी, मगर कुछ कामों में नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखें। वाद विवाद और न्यायालय संबंधी कार्यों से परहेज करें। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मीन राशि वाले जातकों को आज भी सावधान रहना चाहिए। विरोधी पक्ष सक्रिय रहेंगे, किसी मामले में साजिश के शिकार हो सकते हैं। आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। महत्वपूर्ण योजनाओं की रूपरेखा किसी से साझा ना करें। हालांकि कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। नए प्रस्तावों के लिए आज का दिन उचित रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी बरतें। आर्थिक मामलों में सहयोग बना रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन दुविधापूर्ण बना रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे।
ओम नमः शिवाय।